आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है अनमोल को मिला है कुछ चैलेंज स्कूल से। एक तरीके से ना उसका चैलेंज मेरे लिए ही चैलेंज होता है। कुछ नेम कस्टमाइजेशन करने पड़ेंगे, आपको वीडियो में लास्ट में दिखाऊंगी थोड़ी सी झलक। और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह अनमोल को लंच के लिए बना के दिया था सूजी का हलवा। मैंने आज ना मैं बहुत जल्दी जगी थी, रात में बहुत लेट सोई थी और सुबह बहुत जल्दी जगी थी क्योंकि मुझे अनमोल का लंच वंच रेडी कर देना था और हलवा सोच रखी थी बनाने का। तो ये पीस में कट तभी हो पाता है ना जब ये ठंडा होगा, तो जल्दी बनाऊंगी तब तो ये ठंडा होगा। तो मैं सुबह जल्दी जग के ये बना दी थी, अभी स्कूल का टाइम हुआ है तब तक ये ठंडा भी हो गया है और अच्छे से इसका लंच भी मैं ऐसे कट करके पैक कर दी, कुछ छोटे छोटे पीसेस भी कट कर दी ताकि उसको खाने में सुविधा रहेगी। अब देखो मेरे हस्बैंड को क्या ना कि मीठा कम पसंद है, तो मैं उनके लिए सोची ना कि सूजी का उपमा बना दूंगी। तो सेम सूजी वाला ही रेसिपी हम दोनों के लिए हो जाएगा, हमारे लिए हलवा और उनके लिए उपमा। लेकिन उन्होंने पता क्या गड़बड़ किया, मैं सारा काम करके गई, प्याज काट के हरी मिर्ची डाल के फ्राई करके उसमें सूजी डाल के फ्राई करके, बस मैंने इतना काम दिया कि थोड़ा पानी डाल दो इसमें जल्दी जल्दी में क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मुझे बहुत सारे काम है। उन्होंने क्या किया कि इतना पानी डाल दिए इसमें कि पूरा मतलब उनका ना उपमा कम फालूदा ज़्यादा बन गया था। और मुझे ना आज बहुत सारे पार्सल एक्चुअल में पैक करने थे, तो मैं थोड़ी सी ना हड़बड़ में भी थी और हड़बड़ का काम गड़बड़ हो गया हमारा। चलो कोई बात नहीं, खाना पीना तो ऐसे ही चलता रहता है कुछ भी खा के अपने काम में। सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि कुछ भी शॉर्टकट में खाओ और अपने काम में लगे रहो कि सुबह बहुत सारा काम होता है एक्चुअल में। इधर कपड़े धोने हैं, उधर कपड़े पसारने हैं, इधर बच्चों को नहलाना है, इधर खिलाना है, उधर ये करना है, ये ऐसे हो जाता है। और जब से हमारा ऑनलाइन का काम है और साथ में ज्वेलरी वाला काम हमने जब से स्टार्ट किया ना, तो हमारा ऐसे ही हो जाता है। सुबह चलते चलते तो ऐसा लगता है ना कि पांव एकदम कई बार ऐसा घींच के चल रहे हैं, इतना वो हो जाता है कंटिन्यू। और सुबह सुबह मेरा दिमाग घूम गया था क्योंकि हमें ना पार्सल भेजना है और लेट हो जाएगा तो कुरियर कंपनी बंद हो जाएगा। इस वजह से मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी ये सब काम भी हो जाए। तो मैं हस्बैंड पे चीखने लगी, क्या है तुमने मेरे लिए कोई हेल्पर नहीं रखा है, वॉशिंग मशीन नहीं रखा है तुमने, इन्वर्टर नहीं रखा है, ऐसे मैं करने लगी। तो फिर मुझे समझाया कि यदि मूड अच्छा करो काम के में लगते हैं, चलो मैं मिलकर करवा देता हूँ। तो फिर उन्होंने कपड़े धोए और फिर मैंने इधर के काम निपटाए, जैसे पैकिंग वाला काम किया। जब तक शोर ना मचाऊँ मेरा आधा काम निपटता नहीं है क्योंकि आधा काम फिर वो करवा देते हैं हेल्प। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके मतलब होता रहता है। बाकी आप लोग कैसे धोते हो कपड़े, खुद से धोते हो कि आपने मशीन रख रखा है, बताना ज़रूर। मेरे तो उस घर में सब क्या है लेकिन बस मेरे पास ही नहीं है अभी सुविधा के नाम पर ना, टेंग है मेरे पास में कुछ भी नहीं है। चलो आज बहुत सारे कॉलेज हम लोग बट के ज़िंदगी बनानी है, तो कुछ काम ऐसे हैं जिसके लिए बहुत पाँव भी घिसने पड़ेंगे, जूते भी घिसने पड़ेंगे और एक चप्पल है जो कि इतना घिस गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो टूट जाएगा, तो अब मैं लूँगी नया वाला क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। जब तक कोई कपड़ा को मैं कंटिन्यू पहन के फाड़ती नहीं हूँ ना, मैं फिर नया लेती नहीं हूँ। तो अभी बहुत लोग बोलते भी अरे सेम कपड़ा को चेंज करो, तो अब भाई अभी हम लोग कोलैबोरेशन तो थोड़ी लेते हैं कि हम लोग ये सब में कर पाए। और पता है आता भी है हमें तो थोड़ा सा डर लगता है मेल वेल से, तो हम ना उसमें ज़्यादा एंटर करते नहीं हैं। हम अपना एक सीधा रास्ता चलते हैं कि हमारा अपना काम चल रहा है ज्वेलरी का और सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक साफ़ सुथरी तरीके से हम अपने काम को करना है ताकि मतलब सारी चीज़ें सही से प्रॉपर वे में होती रहे। अब हम लोग निकले थे मार्केट, बहुत सारा सामान लाना है जैसे कि कल भेजना है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को सामान, एग्जीबिशन लगा रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स ले रखे हैं, तो सबके सामान है। क्या क्या सामान है वो सब आपको हम कल के व्लॉग में दिखाएंगे क्योंकि आज का व्लॉग थोड़ा सा फैमिली वाला मेरा ज़्यादा हो गया और यही रीज़न है कि मैंने सोचा कि चलो वो पूरा पार्ट ना कल दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मार्केट गई तो भूख भी लग गया था क्योंकि हम लोग अनमोल को स्कूल से रिसीव करके लाए थे घर पर और मैगी बना के सिर्फ खाए थे और पूरे दिन के दौड़ भाग के बाद लगा कि यार थोड़ा भूख लग गया है, थोड़ा आते वक्त फिर हम गोलगप्पे खा ले क्योंकि शाम हो चुका है। और सुबह भी नाश्ता ऐसा हल्का हल्का सा था ना, हलवा और उपमा, तो इस वजह से थोड़ा क्लिप हमारा यहाँ आगे पीछे हो गया। जब हम लोग घर पहुँचे ना तो बारिश होने लगी बहुत तेज़ बाहर, तो हम लोग जल्दी जल्दी निकल के ये वाले मतलब रेंट वाले घर पर आ नहीं पाए थे, तो ये रीज़न था कि हम लोग वहीं थोड़े देर फंस गए थे। और ऐसे तो मैं बाहर बैठी थी जाते वक्त कि इधर से इधर निकल जाएंगे, बट बारिश होने लगा तो मुझे भी अंदर जाके बैठना पड़ा। और फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पर पानी पी रहे थे, हाथ पोछ रहे थे, पानी पी रहे थे, हाथ पोछ रहे थे, और रास्ते से जामुन खरीद के लाए। इतना थर्ड क्लास जामुन खरीदा इन्होंने हड़बड़ में, बादल छाया हुआ है। मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी घर चलते हैं, नहीं नहीं जामुन ले ही लेते हैं, बच्चे खाते हैं। फिर जामुन ले लिया इन्होंने और बिल्कुल बेकार जामुन था, बिल्कुल बेकार, मतलब पूरा पैसा वेस्ट हो गया। बट कोई बात नहीं, इधर पैसा वेस्ट नहीं हुआ। अभी हम लोग घर जाते ही बनाने वाले हैं ऑमलेट और चाय के साथ इंजॉय करेंगे। और बच्चों के लिए बना रही थी मैं उबला हुआ अंडा, मतलब बनाना क्या है, उबाल देना है, वो लोग बहुत पसंद से खा लेंगे। अनमोल को ऑमलेट पसंद है, लड्डू को उबला हुआ अंडा, बट ऑमलेट ना वहाँ पे थे तो नहीं बना सकते थे ये सब चीज़ें। तो
ऑमलेट नहीं अंडा ही आता था उबला हुआ, तो अनमोल तो नहीं खाता था, फिर कनिका खा लेती थी, अनमोल ऐसे ही रह जाता था, वो खाता ही नहीं है इधर उस दिन, उसको ना आदत भी छूट गया था। बट आज जब मैं बनाई तो उसको टेस्ट याद आया, तो आज उसने बहुत पसंद से खाया। मैं ढेर दिन मतलब मुझे यहाँ नहीं पता था कि यहाँ पे अंडे वंडे बनाना अलाउड है नहीं है, नहीं पता, क्योंकि ऑमलेट बहुत स्मेल करता है, तो मैं थोड़ा सा डर रही थी बनाने से। लेकिन फिर जब एक दिन नीचे से पता चला कि अंडे वंडे तो सब अलाउड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, चिकन बस अलाउड नहीं है, हाँ चिकन बाहर से ला के खा सकते हैं ऐसा अलाउड है, तो फिर हमने सोचा कि चलो फिर जब अंडा अलाउड ही है तो फिर ऑमलेट वगैरह तो बना सकते हैं, स्मेल करे चाहे जो भी करे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमने ऑमलेट बनाया, और मुझे चाय से ऑमलेट बहुत अच्छा लगता है। मैं शाम के शाम पे ना रांची में भी थी, तो मैं शाम में बनाया करती थी, और मतलब कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन को हटा करके बाकी दिन बनाया करती थी। यहाँ बच्चे कर रहे हैं होमवर्क, लेकिन लड्डू ना नौटंकी वाला होमवर्क करती है, बस अनमोल को देखेगी होमवर्क करते हुए, उधर अंडे कड़ी बन रहा है और इधर जल्दी जल्दी नेम कस्टमाइजेशन हो रहा है, जिसमें कि मुझे ना अनमोल का नाम लिखना है इसके शर्ट पर। आप लोग बताना अनमोल का नाम स्कूल का क्या है। और पता है बहुत दिमाग लगाई, आते ही रेड शर्ट, एक येलो शर्ट था उस पर रेड ट्यूब से मैंने आदित्य कुमार सिंह लिख दिया था, बट अनमोल ने ना क्या किया, जस्ट लिखी थी स्कूल से जब उसको लेके आई थी, तो मैं इधर लिखी और उधर अनमोल का ड्रेस फ्रेस चेंज करके उसके लिए मैगी चढ़ा रही थी कि हम लोग भी खा लेंगे थोड़ा सा, और फिर निकलना था, काम था बहुत सारा। उस बीच में अनमोल ने क्या किया ना, रूम में घुसा और शर्ट पे हाथ ऐसे फेर दिया, तो वो सारा ट्यूब वाला वो पूरा फैल गया, फिर मुझे जल्दी जल्दी वो टी शर्ट को धोना पड़ा। तो वो घर पे आई थी ना, तो मुझे ये सब मैं फंसा दिया था अनमोल ने, वो सब धो के फंसा रही हूँ, तो वो सूखेगा अब येलो वाला, ये ब्लू वाला पे लिख देती हूँ, एक लेके जाना है कपड़ा, एक पहन के जाना, और इस पर नेम मार्क होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, मेरे पास ब्रेसलेट वाले ऐसे लेटर्स हैं और मैं इसको इसी पे ऐसे लगा देती हूँ, और अच्छा लग रहा ना, आदित्य नाम है उसका, आदित्य कुमार सिंह, तो मैंने आदित्य और के एस शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया है। और वो अनमोल बीच बीच में, कनिका कभी उंगली कर रही है कभी अनमोल कर रहा है, तो मैंने दोनों को साइड किया, मैंने कहा मुझे मेरा काम कर लेने दो, तो जल्दी जल्दी मैं लिख रही थी। अब कलर अनमोल को पता चल गया, रेड कौन सा है, येलो कौन सा है, ब्लू कौन सा है, तो उसको मैं नेम लेटर बोल रही थी ना, ए दो टी दो, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन जब मैं उसको कलर बोल रही थी तो वो दे दे रहा था। मैंने कहा ये किसने सिखाया अनमोल तुम्हें सारा कलर का नॉलेज, तो पापा सिखाते हैं और यहाँ पे जादू चला रहा है, बोला कि ये जादू से आदित्य हो गया, तो चलो ये अच्छा लग रहा है ना। और एक और शर्ट पे हमने लिखा, वो मैंने सुबह सुबह लिखा अनमोल को स्कूल भेजने के वक्त, एक तरफ टोस्ट बन रहा था, बहुत कुछ ऐसा लिस्ट में था कि अनमोल के लंच में ये होना चाहिए वो जन रहा है, ये देखो कितना कचड़ा फैला रखा है दोनों भाई बहन ने मिलकर बिस्तर पे, और मना कर रहा है ना, तो जानबूझ के गिरा रहा है। मैंने कहा अब गिराने दो, मैं उठूँगी तो पूरा चद्दर झाड़ूंगी और बढ़िया से झाड़ू लगाऊंगी, तब जाके खाना खाएंगे हम लोग। उधर बन रहा है अंडा कड़ी एक तरफ बन रहा था और चावल बन रहा था। खाने के बाद बहुत सारे काम है हमारे ज्वेलरी वाले रूम में, तो हम लोग इनको सुलाएंगे पहले दोनों को, फिर जाएंगे उधर। तो उससे पहले आ गया मेरा खाना, और ये है यम यम्मी सा अंडा करी विथ राइस, जो कि है हमें बहुत पसंद, और हम लोग इन्जॉय करेंगे ये। और अगर आपने वीडियो इन्जॉय किया हो तो वीडियो को शेयर करना ज़रूर। और इसके साथ ही हम लोग लगते हैं अपना पूरा रूम फैला दिया मैंने, और आज से कल तक फैला रहेगा, क्योंकि कल है पूरे दिन क्लासेस हैं, कंटिन्यू ज्वेलरी कोर्स की बुकिंग हो रही है, मटेरियल्स की बुकिंग हो रही है, क्योंकि रेट बढ़ने वाले हैं अगले हफ्ते से। आप भी करना चाहते हो तो कर लो।